तुझे कमाई कैसे होगी सर? इसके लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा भी साथ साथ करें क्या, या वैसे ही? भाई 400 रुपए फीस है, फीस हो तो पढ़िया में चढ़ जीरो टाल मारिए। तकासा जवाब था भाई, दिल पे लगी थी बात। मैं एकेडमी चला रहा हूँ यही पे, स्टेप अप के नाम से भाइया ने देखी या देखते बड़का ने देख ली भाई। तो इस अकेडमी में 12 साल से चला रहा हूँ। जब मैं शुरुआत करी इस अकेडमी की चलाने की तो 6000 रुपये लगाए थे हमने इस अकेडमी पे, और 6000 रुपये में 2000 का कुछ लाया था, 2000 का कुछ लाया था, 2000 किराए के दिए थे मैंने 15 दिन के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। उन 6000 में भी 4000 रुपये मैंने किसी से मांगे थे और 2000 रुपये घर कहते लिए थे। तो मैं 6000 रुपये इकट्ठे करके मैंने मेरी अकेडमी चलाई। और क्योंकि मैं बिल्कुल सारी बातें न समझू हूँ, पीछे की हिम्मत न समझू, उस प्रॉब्लम ने समझू कि कौन भाई कहाँ से कुकर कलेक्ट कर सके है, कितना कंगा लगे। जब मैं डांस सीखने का इच्छुक हुआ ना, तो यहाँ पे दो कुछ अकेडमियाँ थी, मैं उनके पास गया था कि भाई मैंने डांस सीखना है। तो उन्होंने मेरे से एक टका सा जवाब दिया था, भाई 400 रुपये फीस है, फीस हो तो पढ़िए मैं चढ़ जीरो टाल मारिए। टका सा जवाब था भाई, दिल पे लगी थी वो बात मेरे, क्योंकि उस टाइम 400 रुपये थे नहीं। एटीट्यूड इतना था, घर के तो मांगने नहीं, हालांकि घर का अभी बहुत सुथरा है, पिताजी कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर है, मम्मी है टीचर थी, बहुत वेल है, लेकिन मैंने एटीट्यूड था भाई घर से नहीं मांगने, मैं अपने हिसाब से गुजारा चलाऊंगा, अपनी जो है सोच उन्होंने एक लिमिट तक रखूंगा, फालतू नहीं। तो भाई वहां से धक्का लगा यार, कुकर बोल रहे हो आदमी, 2-4 दिन ट्रायल दे रहा है, कुछ और बात करें, ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं था। यूं बोला अगर 400 रुपये जेब में हो तो पेड़ी चढ़ जाइए और नहीं टाल मारिए। वह बात पहली थी जो मैंने यूं मजबूर करा यार, अगर जिस दिन मैं कैपेबल हूँगा ना तो काम जरूर दूंगा मैं, यह मेरी एकेडमी है। जब मैं ये तो 8-10 महीनों के मैं एकेडमी पैर हूँ ही नहीं, कोई और भाई है वो सिखा हुआ है। जब मैं इस एकेडमी में 10-11 साल बढ़कर डांस सिखाया, एरोबिक्स सिखाई और योगा सिखाई, मैंने आज तक किसी बालक को फीस खातर नहीं टोका, क्योंकि वह बात मेरे ऊपर गुजर रही थी। मान लो 50 बालक मेरे दुराया कर देना तो 30 बालक फ्री में डांस सीखा करते, किसी से मैंने नू नहीं कभी फीस ला दिए। और जिनका ब्योत भी था उन तभी मैं कहते सोचा करूँगा रहने दो क्या ना कहूँ, क्योंकि मेरी अकेडमी में किराया कुरा कट जाता, मेरा छोटा मोटा खर्चा था, एक लिमिटेड था मैं भाई, सब फालतू मैंने सोचना ही नहीं। तो लेकिन जो बातें थी ना वो मेरे पिंच करा कर दी, भाई 400 रुपये तो पड़िए चढ़ जी टाल मारिए, वो हिसाब देख के मैंने 11 साल इस अकेडमी पे निकाल दिए। भाई फीस नहीं मांगी मैंने किसी से, 50 में से 30 बालक फ्री में ही सीखे मेरे द्वारा। जब मैं कहीं नौकरी पैसा लग गए ना, वे मेरे तक स्पीकर दे गए, वे मेरे तक अकेडमी का मैट दे गए, मैट तो हम बैठे थे कुछ भाई ऊपर है ना, तो वो जो मैट बिछा रखे बड़का ने फ्री में दे रखे हैं, जो वहाँ पे स्पीकर रखे हैं बड़का ने फ्री में दे रखे हैं, जो वहाँ पे AC लग रहा है वे बालक दे के गए हैं, जो उस टाइम पे फीस नहीं दे सके थे 3-3, 4-4 साल, और फिर वे नौकरी लग गए और फिर वे एज ए गिफ्ट दे के गए हैं। उस अकेडमी में मेरा 1 रुपये का तब नहीं लग रहा था और 1 रुपये का आज नहीं लग रहा। जब मैंने शुरुआत करी 2000 रुपये से करी थी, और आज वहाँ पे इतना कुछ मटेरियल पड़ा है, एक कमरा भी है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव सामान भी रखा है, वो सब कुछ वे भाई दे के गए हैं जिस टाइम उनका ब्योत नहीं था, बाद में नौकरी लाकर दे के। तो भाई मैंने दिल में सुकून है इस बात का, भाई हाँ मैंने कहीं कुछ ना कुछ करा। आ बैठो यार, बैठो बैठो भाई, वीडियो बनाते हैं। किस टॉपिक पे? अच्छा बना लो भाई। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें थी जो सोचने में मजबूर होगी यार, तो फिर गलत है। फिर मैं अकेडमी से गुजारा नहीं होता इतना, क्योंकि नेचर नहीं था फीस मांगन का, नू कहन का नेचर नहीं था कि भाई फीस लेकर यूरे कर लें नहीं टाल मरियो। तो भाई जो अर्बन स्टेट के जो लोग हैं, यहाँ के जींद के जो लोग हैं, मैं मेरे नेचर ने जाना है, जिसा मैं घर पे हूँ उसा ही मैं अकेडमी पे था, और उसा ही मैं थारे आगे हूँ, और उसा ही मैं वीडियो में हूँ। हर जगह पर कोई बदलाव नहीं है, और मैं हमेशा से भगवान से ही दुआ कराया करूँ, शुरू में भी, आज भी और आगे भी, यार मेरे अंदर किसी बात का एटीट्यूड ना आ जावे, मैं नॉर्मल और नॉर्मल ही रहना चाहूँ। मेरे दिमाग में नू नहीं आना चाहिए तेरे 3 लाख फ्लोर हो गए, तुम तो इतने जाने इतने इतने ना भाई, मैं थारे ही डाल हूँ और मौज मस्ती में रहनी हूँ, फालतू ही भड़क लेंदा नहीं। लेकिन कई बार सोचने पर मजबूर हो जाऊँ कि भाई जब मैं
पैसे खातर और बिना पैसे होते इतना बड़ा सिस्टम में, मतलब यूट्यूब चला सकूँ हूँ, यूट्यूब पर कमाई कर सकूँ हूँ, कमाई बहुत हुई है मैंने, बताऊँगा तो फिर मैं ITR बढ़नी पड़ जाएगी मैंने, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। कमाई बहुत करी है, बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा करी है, आदमी नॉर्मल नहीं कर पाता, मैंने बहुत कमाई करी है। जब मैं अकेला इतनी कमाई कर सकूँ हूँ उसका, अगर आप जितने बैठे हो ना 5-5% कर लोगे ना, स्वाद आ जाएगा, सच्चाई है यार। और सामी अड़क बैठे हो, मैं तुमने 5% कौन खतर को बुलाएगा ना, मेरे दिमाग में नू कि मैं थारते कमाई करवाऊंगा, लेकिन बिजनेस है कहीं ना कहीं। मैं जब ये बात सोची भाई मैं एक 0 सब्सक्राइबर से शुरू होकर 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकूँ जिसमें मैंने कोई खर्चा नहीं करा, प्रॉपर्टी जोड़न में तेल भरेगा मेरा खर्चा जरूर था, मेरे के लिए जो और भाई थे, एक यो रहा, एक यो भाई रहा, पीछे वो भतीजा है और 10-12 बालक हैं, किसी ने मेरे से पैसा नहीं मांगा भाई, हम तेरे तैपी से मांगा, हाँ लेकिन सब ने बहुत पैसा कमाया। जब मेरे के लिए ये फ्री में कमाई कर सका है ना, इससे तो आज तक मैंने एक भी नहीं दिया, अरे कमा भी नहीं पाया तो कुछ, लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना यो भाई, मेरे के लिए भाग दौड़ करा है, कहीं ना कहीं करा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर है भाई इसका भी कुछ करना है, हमने सोचना है। ये मेरे से रोहतक में मिला, मैं भाई साहब आपके लिए काम करना है, मैंने तेनों कहा, मखा मेरा बजट नहीं है, मैं तेने तनख्वाह दे सकूँ, मैं बोला सर भाई साहब आपके लिए काम करना है हमारे खातर बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने बेरा था इसका बजट घर का अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आदमी कमाई के बारे में सोचा ही है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो लखपति है, चाहे वो करोड़पति है, दिमाग में तो पैसा आवे ही आवेगा उसका, हम बिनू इकट्ठे हो रहे हो, और मैंने बिनू हम बैठे हो, जो पिछली बार 250-300-400 बालक आए थे वहीं भी, उन तब मैंने क्या था मखा थम है ना, हो सकता है भाई घर का सपोर्ट अच्छा है, तुम पैसे दे के भी कहीं नौकरी लग सको, लेकिन उन भाइयों का के जिनके पास सपोर्ट भी नहीं है, जिनके पास दिखाने कुछ है भी नहीं, स्पेशली मेरा मकसद है उनको लेकर चलूँ मैं, इसलिए मैंने वीडियो में एक बात कही थी भाई, जो 10वीं 12वीं कर रहे हो ना वहीं आ जियो रे, पढ़े लिखे घना की शने की जरूरत नहीं है मैंने, क्यों 10वीं पढ़ा लिखा इतना ही है भाई, उसके घर की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वो पढ़ नहीं पाया। जो बालक BMA कर रहे होंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर वो डफर भी है और फिर भी BMA कर गया तो घर के ने सनद मंगा ली होंगी, करा बजट है ब्योत है, सच्चाई है ना भाई। तो मेरा मकसद ये हो है जो भाई बिल्कुल पुअर फैमिली से है ना, उनको मैं प्लेटफॉर्म दूँ, मेरे पास था नहीं, थारे पास जरूर है, मेरे साथ रहने का फायदा आपको ये है भाई 3 लाख फॉलोवर दिखाने आपने मिल जाऊंगे, अपने चैनल पे काम करने का फर्क यो है भाई आप किस तरह से अगले ने सेटिस्फाई कर पाओगे, यो फर्क है बस। इब आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, सोच लो जो प्रश्न आपके दिमाग में हो, कुछ अलग से बात हो तो सोच लो। हाँ भाई, किसके दिमाग में के प्रश्न उठा के कुछ सोच है बताओ, मैंने कौन भाई बताऊंगा पहले, है रे पूछ लो रे। हाँ बे खड़ी हो, बैक साइड कैसे काम करेंगे सर? ओके, तो भाई क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था जो भाई सरकारी नौकरी पे लग रहे हैं या जो कैमरे के आगे नहीं बोल सकते वो बैक साइड काम कैसे करेंगे, एक तो यो भाई बैक साइड काम करा है, एक तो तरीका है ये, दूसरा तरीका ये है अगर आप कैमरे के आगे नहीं आना चाहते तो मैंने बताया कि भाई हमें किसी भी स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सका हाँ फॉर एड पर्पज़, किसी भी ऑफिस से बात कर सका हाँ फॉर एड पर्पज़, वहाँ पे मैं ही आगे काम करूँगा अगर आप काम नहीं करना चाहते तो। भाई देखो बैक साइड कैमरे का मतलब यही है, आप कहीं भी काम के लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कैमरे के आगे आई, कैमरे के आगे आओ। और कोई भाई जी सर, इसके लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा भी साथ साथ करें क्या या वैसे ही करते रहे जैसे नॉर्मल? देख स्कूल में कोई बढ़िया चीज़ है, हमेशा नेगेटिव ही हम काम करा ऐसा भी नहीं है, स्कूल में बढ़िया चीज़ है, थारे गांव में एक स्कूल है और बतेरे बालक जो प्राइवेट ने छोड़ के उस सरकारी स्कूल में भी आए हैं, तो इस पर भी हमने वीडियो बनानी चाहिए। तो सोशल जरूरी नहीं कि इशू एक नेगेटिव में भी है, एक अच्छी बात भी हो, उसको भी हमें समाज में दिखावा, लोगों में उस चीज़ को बढ़ावा देवा, ये भी बढ़िया बात है। बहुत सारे सरकारी स्कूल में लोग जो टीचर हैं अपनी तनख्वाह से उसमें बहुत सारी काम करवावे हैं,
तो वो चीज़ भी हम दिखा सक हाँ। और कोई भाई जी सर, इसके लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा भी साथ साथ करेंगे या वैसे ही करते रहे जैसे नॉर्मल? देखो यार, डिग्री डिप्लोमा तो ऐसा है, वो तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है, बोनस है वो, आप करना चाहो तो। मैंने तो अभी तक करा नहीं जर्नलिज्म का जो हुआ है, क्योंकि मेरा चैनल न्यूज़ चैनल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं जर्नलिज्म ना करूं, जर्नलिज्म करूंगा तभी मेरा न्यूज़ चैनल नहीं बनाता। मैं से न्यूज़ चैनल बनने के बाद बहुत सारी कंडीशन हमारे हाथ में लग जा हुए हैं, इसलिए मेरे पास ना तो कोई मेरा आई कार्ड, इसलिए ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट, इसलिए ना मेरा कोई न्यूज़ चैनल। तो तीनों बंधनों से मुक्त होकर एक समाज में पॉजिटिविटी का काम करा करूँ मैं। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की इमेज डाउन करने का काम मेरा नहीं है। तो और कोई भाई फोटो खींचने में लगे रही है? यूट्यूब से कमाई कैसी होती है? ओके, ओखा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। यूट्यूब से कमाई कैसे होती है? इसका कोई फिक्स हिसाब किताब नहीं है। दो वीडियो हैं, एक वीडियो मैंने 2 मिनट की बना दी, एक वीडियो मैंने 8 मिनट की बना दी, किस पे कितनी कमाई होगी कोई फिक्स नहीं है। दोनों वीडियो 2-2 मिनट की बना दी, दोनों वीडियो 5-5 मिनट की बना दी, दोनों आप 20-20 हज़ार व्यूज़ हो गए, फिर भी कोई फिक्स इनकम नहीं है। किस वीडियो पे कितनी कमाई हुई है ये दिखाया जा सकता है, भाई हाँ इस वीडियो पे इतनी कमाई हुई है। इफ हम वीडियो बना के मेरे द्वारा भेजोगे और फिर 20 दिन बाद पूछो आज ही मारी उस वीडियो पे कमाई कितनी हुई, मैं थर से वो दिखा भी इसको और बता भी इसको, भाई तारी वीडियो पे कमाई यह हुई है, उसमें मैं पर्सनली कोई घाट बात नहीं कर सकता। कल थारे गला रोंडी पीने लग जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई क्या सीधी सुनना चाहो भाई? खत्म हो गए सवाल? ओके, तो भाई ये सवाल जवाब थे भाइयों के, वो हमने थोड़े से क्लियर करने की कोशिश करी है। तब तक के लिए धन्यवाद।